रामपुर में नए सर्वहितकारी व्यापार मंडल का गठन व्यापारियों को गुमराह करके किया गया है। ये बात कहते हुए हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष एवं रामपुर व्यापार मंडल के प्रधान हरीश गुप्ता ने कहा, नए व्यापार मंडल के चुनाव असंवैधानिक ढंग से करवाकर कार्यकारिणी भी बना दी गई, जिसके लिए कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। गुप्ता ने कहा कि रामपुर व्यापार मंडल के चुनाव शीघ्र करवाए जाएंगे। व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधि मंडल ने हरीश गुप्ता की अगुवाई में एसडीएम रामपुर को भी ज्ञापन सौंपा। हम आज एसडीएम साहब को मेमोरेंडम देने आए हैं कि जो व्यापार मंडल दूसरा उन्होंने बनाया है सरकारी व्यापार मंडल, उन्होंने बाजार में ये कहकर साइन कराए कि हम सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करने के नाम से साइन कराए हैं, और उसके बाद उन्होंने अपना व्यापार मंडल गठित कर दिया और सदस्य झूठ बोल रहे हैं, अखबारों में हर कुछ अनापना बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि उन्होंने जनरल हाउस कोई नहीं कराया, 300-350 आदमी बोलते थे कोई भी नहीं। इसलिए हम मेमोरेंडम देने और रोष प्रकट करने एसडीएम साहब के पास आ गया। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए रामपुर से रमेश शर्मा।